के न्यूज खबरों की नई पहचान। धनबाद में द क्लब इंडिया की ओर से मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए नव वर्ष में तोहफा। धनबाद द क्लब इंडिया, जो मध्यम वर्गीय परिवारों का क्लब माना जाता है, नव वर्ष की पूर्व संध्या में ब्लेसिंग हॉल, बेकार बांध और कुसुम विहार के उत्सव रिजोर्ट में मध्यम परिवारों का ध्यान रखते हुए मनोरंजक आयोजन किया गया। द क्लब इंडिया के चेयरमैन संतोष रजक ने यह बात प्रेस वार्ता करके बताया। निरंतर 2016 से ही लगातार मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखते हुए एक आदर्श स्वस्थ नव वर्ष कार्यक्रम करता आ रहा है। इस साल भी द क्लब इंडिया कोशिश कर रहा है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है, यानी मध्यम वर्गीय परिवार, वह अच्छे वातावरण में जश्न को मना सके, जहां पर किसी प्रकार का नशा पान ना हो और यह बात उस जगह पर सख्ती मना हो। डिनर में सभी स्टॉल उपलब्ध होंगे, वेज नॉनवेज। इसके अलावा नए साल के जश्न में चार चांद लगाने के लिए कोलकाता से तानिया मुखर्जी, सारे गमा पा फिल्म से जी बंगला टीम की ओर से भी कलाकार दिल्ली से इस कार्य में नए साल की नई शाम पे आ रहे हैं, जिसे सारे मध्यम वर्ग के जो परिवार हैं, जो सारे बड़े क्लब के पहुंच से बाहर हैं, इसमें सभी कोई झूम कर गा कर अपनी खुशी को जाहिर करें। संतोष जी, ये बताएं कि ये आपका क्लब इंडिया का ये कार्यक्रम आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? सर, ये प्रोग्राम जो है अपना 2016 से हो रहा है, ये चौथा वर्ष है हमारा। 31 दिसंबर को किया जाता है धनबाद में। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए क्या कुछ खास है? मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ही खास ये बात है सर कि उनके लिए तो कोई अरेंजमेंट धनबाद में है ना, गवर्नमेंट के साइड से ना तो प्राइवेट कोई ऐसा अरेंजमेंट है। तो यही सोचते हुए, और मैं भी मध्यम वर्गीय वर्ग का बच्चा हूँ, तो देखते हुए मैंने मध्यम वर्गियों के लिए एक सोच था और उनके लिए ये गेट टुगेदर का प्लान किया है, और जो सक्सेसफुल है, जो 4 साल से चला रहे हैं, और मध्यम वर्गीय परिवार इसमें सहयोग भी कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के उनका हिस्सा भी रहता है, और हम इस कार्यक्रम को करा पाते हैं। नौ वर्ष में आपके इस कार्यक्रम में कौन से ऐसे कलाकार हैं जो इंटरटेन करेंगे? जी, इसमें जो है तानिया मुखर्जी बोल के सिंगर है, जो सारे गामा पा जी बंगला और बैंड उसका, प्लस इसके अलावा जो है ग्रुप डांस जो है कलकत्ता से है, और डीजे नील दिल्ली से है, जिसका सबका लाइव परफॉर्मेंस हमारे मेंबर इनका मजा उठाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है? कॉस्टली नहीं है, हमारा तो सालाना मेंबरशिप है, जो कि मतलब 2500 रुपये का मेंबरशिप है, जिसमें बहुत सारी फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं मेंबर को। हर एक साल में 3-4 प्रोग्राम कराते हैं इसी पैसे में, और उनका खाना भी इसमें इंक्लूड होता है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली तो कहीं से भी नहीं है। कहाँ पे होगा आपका ये कार्यक्रम और कितने बजे से शुरू होगा? कार्यक्रम ये 2 जगह पे है, एक उत्सव रिजॉर्ट जो है अपना कुसुम विहार में स्टील गेट के पास, और एक प्रोग्राम जो है अपना ब्लेसिंग हॉल बेकार बांध जो नया बना हुआ है वहाँ होगा। और ये दोनों प्रोग्राम में जो एंट्री है 8 बजे से ही है, और रात के 12 बजे तक चलेगी, उसके बाद ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा, और नए साल का हम लोग वेलकम करेंगे साथ में मिलकर। 2 जगह प्रोग्राम कराने का मकसद ये है कि हमारे मेंबर जो है, कुछ मेंबर्स हमारे गोविंदपुर है, भीफोड़ मंदिर है, कोयला कुसमा है, बलियापुर है, तो वो इधर सेंट्रल धनबाद में आ नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनके लिए अरेंजमेंट वहाँ पे किए कंपनी ने। इसके बाद आपकी जो इधर झरिया हो गया, सिंदरी हो गया, आपका कतरास हो गया, इधर का जो है मेरा मेंबर लोग है, क्योंकि इधर हीरापुर हो गया, सेंट्रल धनबाद हो गया, रानी बांध हो गया, इन सब जगह के जो मेंबर है उनका जो है आराम से यहाँ पे आ जाएंगे वो बेकार बंद, इसलिए उनके लिए अरेंजमेंट्स यहाँ पे किया गया है। डिनर में क्या, वेज नॉन वेज? डिनर पूरा लेविस है सर, हमारा स्टार्टर है, गोलगप्पा है, चाट है, पकौड़ा है, प्लस आपका कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, और जो है मेन कोर्स में हमारा नॉन वेज भी है, वेज भी है, नॉन मतलब जो भी होता है, लेविस डिनर है, पूरा बुफे डिनर है मेंबर लोग के लिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज किया गया है। इसके अलावा है कि नशा मुक्त प्रोग्राम है हमारा, हमने कोई नशा मुक्त प्रोग्राम कहने का मतलब हमारे यहाँ पे अल्कोहल सर्व नहीं किया जाएगा, किसी तरह का भी कोई हुक्का या फिर सिगरेट या इस तरह की जो है परमिशन नहीं है, और ये बिल्कुल सफोकेटेड और फैमिली प्रोग्राम है, जो हमारी सोच है उसी सोच पे हम लोग इस प्रोग्राम को कराएंगे। अपना परिचय दीजिए पूरा। मेरा नाम संतोष रजक है, द मैनेजिंग डायरेक्टर द क्लब इंडिया धनबाद।